राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर मीटिंग की। इसमें एनएसए अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी को आतंकियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी दी गई। पीएम ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत की। उन्होंने वहां के हालात के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की। जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 4 दिनों में 4 आतंकी घटनाएं हुई। इसमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 1 जवान शहीद हुआ और 2 आतंकी मारे गए। चारों घटनाओं में 6 जवानों समेत कुल 49 लोग घायल हुए। कुपवाड़ा में शब्बीर अहमद नाम के एक ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया है, जो आतंकियों की मदद कर रहा था। उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। रियासी में हुए आतंकी हमले के मामले में 53 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनकी जानकारी एसएसपी मोहिता शर्मा ने दी है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।